तो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे हो गए। तो मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम हर बार की तरह इस बार भी वीडियो लेके आ चुके हैं और यहाँ पर हम दोस्तों वैकेंसी का कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। अगर आप भी एक परफेक्ट वैकेंसी सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बैक एंडिशन का पार्ट चौथा कराने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि बैक एंडिशन की शुरुआत कैसे करें। बहुत भाइयों का कहना है कि सर, मैं बैक एंडिशन तो सीखना चाहता हूँ पर मेरा पीछे पलटने का जो डर है वो नहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आप बैक एंडिशन की शुरुआत किस तरह से करें ताकि आपका बैक एंडिशन का जो पीछे पलटने का डर है वो ख़त्म हो जाए। सो चलो, आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए हम करते हैं ट्यूटोरियल को स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले आप लोग डर को ख़त्म करने के लिए आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान देना होगा। जैसे इस तरह से दोस्तों, अगर आप लोग गांव में रहते हो तो इस तरह मिट्टी, बालू, रेत, खेत कहीं का प्रयोग कर सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस ऐसी जगह करना है जहां पर आपको लगे ना। दोस्तों, इस तरह से आप लोग देख सकते हो, खड़ा से इस तरह से कर लेना है। इस तरह से दोस्तों आपको ज़मीन को मुलायम कर लेना है ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई इंजरी ना हो। दोस्तों, आप जानते हो, अगर आपको एक बार इंजरी होगी तो आप दोबारा सीखने का मन नहीं करोगे। तो दोस्तों देख लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सुसाइड किकअप करना है। अगर आपको सुसाइड किकअप नहीं आती है तो दोस्तों अपने अंदर को डर ख़त्म करने के लिए इसी तरह से पलट जाना। एक बार आप लोग देखो सुसाइड किकअप किस तरह से करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हम किकअप करते हैं उसी तरह सुसाइड भी किकअप भी होती है। इस तरह से दोस्तों, जब आप दो तीन बार इस तरह गिर जाओगे तो आपका पीछे पलटने का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। बट दोस्तों, आप लोग सेफ्टी का विशेष ध्यान देते हुए इसकी प्रैक्टिस करना है। सो चलो दोस्तों, पार्ट तीन में मैंने बताया था कि आपको किस तरह से आपको मंकी जंप करनी है। उसमें मैंने बताया था दोस्तों वन एंड से मंकी जंप। अब आपको क्या करना है, टू एंड से मंकी जंप करना है। अगर आप अच्छे तरह से कर ले जाते हो तो आप लोग यहीं से बैक एंट्रिंग कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों, आपको इस तरह इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। बहुत जल्द आप लोग सीख जाओगे वन मोर। दोस्तों, आपको इसी तरह जैसा मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब दोस्तों आप इतना करने में कॉन्फिडेंट हो जाओ, उसके बाद आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, जो हम आर्च बनते हैं वो हमें आर्च बनना है थोड़ा जंप के साथ। और जब आप इसकी पहली बार प्रैक्टिस करें तो आपको जंप लेना चाहिए थोड़ी हाइट से। दोस्तों, इस तरह से आपको ये पोजीशन लेनी है और ये हैंड को इस तरह पीछे, और दोस्तों बिना डर के आपको इस तरह से पीछे की तरफ फेंकना है। वन मोर। दोस्तों, मुझे आती है इसलिए मैंने आपको परफेक्ट करके दिखाया है। आप पहली बार करोगे तब आपसे नहीं हो पाएगा, हो सकता है आपका सिर भी लग जाए कुछ इस प्रकार। दोस्तों देख लो, दोस्तों आप जान सकते हो आप कुछ इस प्रकार आओगे जब आप पहली बार करोगे। दोस्तों, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, तभी आप सीख सकते हो। बट आपको इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, दो वीक के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे। बस दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा इसकी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। वन मोर। इस तरह से दोस्तों आपकी धीरे धीरे करके बैक एंडरिंग का डर ख़त्म हो जाएगा और आप लोग बहुत जल्द बैक एंडरिंग सीख जाओगे। जब दोस्तों कॉन्फिडेंट हो जाओ उसके बाद आपको परफेक्ट करना है बैक एंडरिंग इस तरीके से। इस तरह आपको पहुँच लेना है और दोस्तों थोड़ी आपको जंप लेनी होगी जब आप पहली बार करें तब, लाइक डैट। इस तरीके से आपको उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह का स्टंट सीखने चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, आपको किसी भी स्टंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सीखने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।